पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के टीटागढ़ वैगन लिमिटेड का जहाज सागर तारा मंगलवार को पानी में उतारा गया। उन्नत तकनीक से लैस इस जहाज से समुद्र में खनिज पदार्थ और समुद्री जीवों को खोजने का काम किया जाएगा। चक्रवात, सुनामी और तूफान की भविष्यवाणी में भी मदद मिलेगी। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि निजी क्षेत्र में रिसर्च और ज्यादा निवेश की जरूरत है। हर्षवर्धन ने कहा कि निजी क्षेत्रों की मदद से देश शीर्ष वैज्ञानिक देशों में शामिल हो सकता है। टीटागढ़ वैगन को इस जहाज को बनाने के लिए NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को दिया गया था। टीटागढ़ वैगन अब तक 3 जहाज बना चुका है।